बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज से अदनान से देखिए, डीएचएफ शावर के हवाले से मैं आपको अपडेट देता हूं। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की जो डेवलपमेंट है या इसकी प्राइसेज हैं या जो इस टाइम मार्केट में हालात हुए में और उसके ट्रेंड के हवाले से बात कर लेते हैं कि पिछले कोई एक महीने से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बेचैनी सी पाई जाती है, जिसकी वजह से मार्केट की प्राइसेस जो हैं काफ़ी डाउन हुई हैं। और जी ब्लॉक में सिर्फ इसका रेट कुछ बेहतर हुआ है पहले की नस्बत, क्योंकि इसके ऑन ग्राउंड जाएं तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि यहाँ पे इसका जो नक्शा है वो डिले कर रहा है, डीएचएफ खुद डिले कर रहा है कि मार्केट के हालात बेहतर हों और फिर इसके नक्शे को लॉन्च किया जाए और जो प्लॉट्स हैं उसकी प्राइस अच्छी निकले। यहाँ पे अगर इन हालात में इसका नक्शा आता है तो यहाँ पे इसकी प्राइस बजाय पॉजिटिव साइड पे जाने के वो नेगेटिव साइड पे जाएगी और उसका एंड यूजर को या इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट, खास बेनिफिट नहीं होगा। तो डीएचए इस वजह से इसके नक्शे को डिले करे जा रहा है। पिछला एक साल हो गया कि डीएचए की कोशिश यही है कि हालात अभी बेहतर होते हैं तो हम इसका नक्शा लॉन्च करते हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफ ब्लॉक 5 मरला की। एफ ब्लॉक 5 मरला की जो प्राइस है इस टाइम वो 56 से तकरीबन 62 तक जा रही है, लेकिन कोई बड़ा नंबर है तो वो 55 तक का भी सेल होता है, 54-55 में, लेकिन एवरेज रेट जो है 56-57 का है। अगर कोई नंबर छोटा है तो वो 61-62 पे जाके डील होता है, यानी सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, तो वो इस प्राइस पे जाएगा, 60-62 तक मैक्सिमम चला जाएगा। उसके बाद 5 मरला की कटिंग आ जाती है जी ब्लॉक में। जी ब्लॉक में इस टाइम तकरीबन 71-72 तक कॉस्ट ऑफ लैंड, मैं जो भी प्राइस बताता हूँ आपको वो कॉस्ट ऑफ लैंड विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रिज्म के प्लॉट हैं वो ऑल पेड है, वहां पे किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर या ओन के ऊपर बात नहीं की जाती, क्योंकि वो सारे प्लॉट 5 मरला और 10 मरला जो है वो ट्रेड ऑफ डील की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ट्रेड ऑफ डील में प्लॉट एडजस्ट हुए थे, तो वहां पे प्राइस जो है प्रिज्म में वो तकरीबन इस टाइम 85 से 92 तक इसका मैक्सिमम रेट चल रहा है। काफी इसकी प्राइस इसकी भी डाउन हुई है। और जैसे जी ब्लॉक में मैंने आपको बताया 71 से 73 तक इसकी 5 मरला की प्राइस है। प्रिज्म की भी मैंने बता दिया है, अभी मार्केट में बायर ना होने की वजह से कोई भी चीज मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग आ जाती है तो वो मार्केट के ऊपर 1-2 प्लॉट या 3 प्लॉट भी जो है मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बजाय पैनिक होने के थोड़ा सा अगर हौसला करें और इस टाइम को 1-2 महीने अगर गुजार लें और पैनिक सेलिंग ना डालें तो मार्केट को नुकसान नहीं होगा, तो बेहतर यही है थोड़ी सी पैनिक सेलिंग को जो है रोकें। तो 8 मरले की अगर मैं बात करूं, 8 मरला जी ब्लॉक में इस टाइम कटिंग ज्यादा है और 8 मरले का यहां पे तकरीबन 93 से प्राइस शुरू होती है और 96 तक इसकी प्राइस जाती है। ये 8 मरला है और इसके ऊपर 11.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। 8 मरला 5 मरला मोस्टली जो है ये एनओसी वाले प्लॉट है। अब एनओसी का जो प्लॉट होता है उसका बेनिफिट एंड यूजर को ये मिलता है, जो पेमेंट शेड्यूल आर्मी बेनिफिट में है वो ट्रांसफर के बाद भी पेमेंट शेड्यूल वही रहता है। जितनी डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट सेलर ने पे कर दी है, परचेजर ने वो सेलर को पे कर दी है, बैलेंस पेमेंट जो है वो डीएचए को पे करनी है, वो उसी पेमेंट प्लान के ऊपर जाएंगे। 10 मरला जो है यहाँ पे, 10 मरले की मैं बात करता हूँ, 10 मरला एच ब्लॉक में मैंने आपको बताया है एच ब्लॉक में 45-46 से शुरू होकर तकरीबन 52 तक इसकी प्राइस चली जाती है ओन प्राइस जो है। और यहाँ पे इसके ऊपर वही कॉस्ट ऑफ लैंड 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। और इस टाइम ज्यादा जो बाइंग सेलिंग यानी अगर कोई बायर निकलता है वो जी ब्लॉक वाली साइड पे जाता है। जी ब्लॉक का जो इस टाइम ओन चल रहा है 10 मरले का वो 96-97 से शुरू होके और तकरीबन 1 करोड़ रुपए इसकी ओन प्राइस आ रही है। बाकी इसका वो ये 28 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस। और प्रिज्म में अगर मैं 10 मरले की बात करता हूँ तो प्रिज्म में 10 मरला 165 से शुरू होकर मैक्सिमम 170 तक इसकी प्राइस चली जाती है। उसके अंदर लोकेशन आ जाती है,
कि अगर लोकेशन अच्छी है तो आपका 170 तक चला जाएगा, और लोकेशन थोड़ी कम है, हल्की है आपकी, तो वो 162, 163 और 65 तक इसके प्राइस आ जाती है। यहाँ पे 10-15 प्रिज्म में मैंने आपको बताया है, ये ट्रेड ऑफ डील के हैं, ये ऑल पेड के साथ आपकी ये प्राइस है। इसके अंदर कोई डेवलपमेंट चार्जेस आपने अलग से नहीं लेने या लेने, और कोई इसके ऊपर ओन नहीं है, ये टोटल प्राइस है इसकी। बाकी 10-15 में चंद प्लॉट जो हैं जी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में कनाल के भी हैं, तो ये इस 8-15, 5-15 और 10-15 के बीच में मैं आपको ये इसके सिर्फ एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चंद प्लॉट आए हैं जी ब्लॉक में, तो वो इस टाइम अगर सेल होगा मार्केट में तो तकरीबन 165-170 तक सेल होता है, बायर लग जाता है, डिमांड भी यहां तक आती है। तो ये तो था हमारा 5-मरला, 8-मरला, 10-मरले का एनालिसिस था, प्राइस के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से जो मैंने शुरू में आपको बताया। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं, सामने आपके पास मेरा नंबर आ रहा है। और इसके अलावा भी हम लोग डीएचए लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला में हम हर जगह डील कर रहे हैं। बाकी कोई मजीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।